पैसा बड़ा बदनाम है। जिसके पास नहीं होता है वो कहता है कि भाई पैसा आएगा तो दिक्कतें बढ़ जाएगी, जीवन में संकट आ जाएगा, डिप्रेशन में जीना पड़ेगा। मैं आपको बोलता हूं कि इस धरती पर सुख चैन से अगर आपको रहना है तो पैसा बहुत जरूरी है। अनलेस और अंटिल अगर आप पहाड़ों में नहीं रह रहे हो, पैसों के बिना नहीं रह रहे हो वहां पे ऊपर जाकर के। दुनिया के बीच हो, खुश रहना है, यस मनी इज इंपॉर्टेंट। हाँ भाई हाँ, मैं यही बोल रहा हूं। मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग मनी कैन बाय हैप्पीनेस, पैसों से खुशियां खरीद सकते हो। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? दुनिया तो कुछ और कह रही है, बाहर तो कुछ और लिखा हुआ है। मैं यहां क्यों नहीं बोल रहा हूं, वो लाइंस क्यों नहीं बोल रहा हूं जो लोग बोलते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते, पैसों से हेल्थ नहीं खरीद सकते, पैसों से अकेलापन दूर नहीं कर सकते, पैसों से ये वो। मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि फिल्टर लगा के बात कर रहा हूं मैं। वो सारी बातें भी सही है, लेकिन फिल्टर लगा के समझना होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिल्टर लगाना बहुत जरूरी है। बहुत सारी वीडियोस में बोल रखा है मैंने ये। मैं ये मानता हूं, अब जिनको ये बात डाइजेस्ट हो वही सुनना, वरना पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते वो तो बोल ही रहे कब से, बोलते रहो वो। आपका जीवन अगर 30,000 महीने में चल सकता है तो आपको उससे थोड़ा और ज्यादा कमाने की जरूरत है। अगर आपको पैसों की कमी से बाहर निकलना है तो ज्यादा भी नहीं, थोड़ा और। जैसे 10,000 में घर चल सकता है, जिंदगी चल सकती है, मतलब कि उसको 15,000 इस वक्त कमाने चाहिए। 1,00,000 वाला बंदा है, उसके खर्चे ज्यादा है, उसकी जिंदगी जैसी भी हो, अब 1,00,000 उसका है मतलब, तो उसको 1,20,000 महीना कमाना चाहिए तो खुश हो। इसको मैं टेक्निकली हिसाब करके नहीं बताने वाला हूं इस वीडियो में, ये आप खुद से सोचकर समझो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। कोई कारण है जिसकी वजह से मैं ये बात बोल रहा हूं, किसी वजह से जरूरत है आपको थोड़ा और ज्यादा कमाने की। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जो वीडियो का टॉपिक है उस पर आते हैं। इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का एक नियम है, एक रूल है। कोई भी चीज हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी जगह हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इमोशन हो, कोई भी याद हो, कोई भी कुछ भी हो, एक एक कण कण की बात कर रहा हूं मैं, संज्ञा की बात कर रहा हूं मैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, मैं उस संज्ञा की बात कर रहा हूं जो हमने पढ़ी थी स्कूल में। वो सब अपने से कमजोर को तोड़ती है, चीजों की सबकी बात कर रहा हूं मैं, वो सब अपने से कमजोर को तोड़ती है, दबाती है, मारती है, झुकाती है, डेट्स इट। जानवरों में देख लो, इंसानों में देख लो, चीजें कैसे एक दूसरे को काटती है तोड़ती है उसमें देख लो, हर जगह देख लो होता है ऐसा। मतलब कहीं मीठी छुरी भी चल रही है, लेकिन चल रही है ना। जैसे कैसे बताता हूं मैं आपको, कोई बंदा जॉब कर रहा है, बॉस उसको दबा रहा है, अब उसको वहां से पैसे मिल रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल सकता, दबा हुआ है। मतलब उस दबे हुए को भी नहीं पता कि वो दबा हुआ है, लेकिन मेरी परिभाषा तो पूरी हो रही है ना यहाँ पे। पॉइंट क्या है शकील भाई, आप बातों को बड़ी घुमाते हो, पॉइंट पर नहीं आते हो। पॉइंट इज, अगर आपको पावरफुल बनना है, आप चाहते हो कि आपके साथ में गलत ना करे कोई भी, कोई दबाए ना, कोई हालात आपको दबाए ना, कोई इंसान, कोई सिचुएशन, तो आपके पास में पैसा होना जरूरी है। आपको पावरफुल बनना जरूरी है, और आपको पावरफुल इसलिए नहीं बनना है कि आप दूसरों को दबाओ, इसलिए ताकि कोई दूसरा आपको दबाए ना। ऐसा नहीं कि चलते फिरते आप मार रहे हो लोगों को, करोड़ों कमा लिए मैंने मजाक कर रहा हूं। तो इस 21 साल की उम्र में मैंने काफी दोस्त बनाए, बिजनेस अलग अलग तरह के करे, डील्स करी। मतलब इस एज में नॉर्मली मैंने जो चीजें देख रखी है वो इस एज में काफी है जो नहीं देखते हैं। बहुत रेयर कुछ होते हैं जो इस एज तक इतनी चीजें देख लेते हैं। तो वो मैंने जो देख रखा है उस बेस पे मैं बोल सकता हूं कि पैसे को विलन मत बनाओ। पैसा बहुत अच्छा हथियार है, इसको दिमाग से समझकर अच्छे से कमाओ। एक बार पैसा आने लग गया, आपको ये भी पता है मैनेज कैसे करना है, आपको आइडिया नहीं है कि उसके बाद में आप अपनी फैमिली को, आप अपने आप को कितना खुश रख सकते हो। अच्छा, एज ए ह्यूमन बींग सबसे बड़ी खुशी क्या करने से मिलती है सोचो। ऐसी क्या चीज है जो करोगे तो उससे ज्यादा खुशी और किसी चीज को करने में नहीं मिलती है? एक इंसान कुछ और करके ले ही नहीं सकता वो खुशी। और अभी जो मैं बोल रहा हूं वो बहुत सक्सेसफुल लोग, बहुत बड़े लेवल के फिलोसोफर्स ने भी ये बात कही है। वो है कि आप किसी ऐसे इंसान की हेल्प कर देते हो। अभी बात पैसों की हो रही थी, पैसों की करते हैं। जैसे मान लो कोई फ्रेंड है आपका, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसको आप समझ लेना ठीक है। ये चीज मैं करके बोल रहा हूं, मेरे साथ में ये हो रखी है, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली करके बोल रहा हूं मैं, कोई हवा में बात होती नहीं यहां पे, हवा में बात करता ही नहीं हूं मैं इस चैनल पर। कोई फ्रेंड है, उसने पूरी जिंदगी बहुत पढ़ाई करी, जीवन इसी में दे दिया,
अब ऐसी सिचुएशन है कि उसका एडमिशन नहीं होगा अगर आज की आज फीस पे नहीं करी ऑनलाइन। मतलब मैं इसको ये मानूंगा कि एक इंसान अगर भूखा है, एक टाइम के लिए भूखा है अगर वो, उससे भी बड़ी हेल्प उस इंसान की होगी जिसने जिंदगी भर पढ़ाई करी और अब अगर वो फीस पे नहीं करी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। उसकी अगर हेल्प करी, ये एग्जाम्पल है, आपको ये समझना है, इसको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगाना है, तो उस वक्त हेल्प करके जो खुशी मिलेगी उसकी बराबरी इस धरती पर आपको कोई और करके नहीं मिल सकती है। जरूरतमंद की हेल्प करने के बाद में जो खुशी के आंसू सामने वाले के आते हैं आपको थैंक्स करते हुए, वो जो फीलिंग है वो आप तभी समझ पाओगे जब आप ये करोगे एक्चुअल में। सोचो जब आप अमीर बन जाओगे, आप गरीबों को खाना खिला रहे हो, COVID-19 की वजह से कितनी लोगों की जॉब चली गई, कोई गरीब है तो उनके घर में आप राशन पहुंचा रहे हो, उस वक्त क्या फील होगा आपको? जैसे सोनू सूद का आपको पता होगा उन्होंने क्या कमाल करा है COVID-19 में, कितने लोगों को कोविड में फंसे थे उनको घर पहुंचाया अपने पैसों से, ऐसे कितने लोग होते हैं, ये लोग क्यों हेल्प करते हैं? बिल गेट्स है इंडिया में, रतन टाटा है, माफ करना अगर मैं किसी बड़ी हस्ती का नाम नहीं ले पा रहा हूं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बहुत लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में आपको पता होगा, ये सब इतनी मदद क्यों करते हैं? बस उसी अल्टीमेट खुशी के लिए। कौन कहता है पैसों से खुशी नहीं खरीद सकते हैं? खरीद रहे हैं लोग। आप कमाओ, अपनी मम्मी के हाथ में पैसे दो, पापा को अपना बैंक बैलेंस दिखाओ, फिर देखो आपको क्या फील होगा। पैसों से हर चीज खरीद सकते हो, बस कुछ चीज छोड़कर। मानता हूं मैं, दिमाग है मेरे में भी, कि कुछ चीजें नहीं खरीद सकते। अब कमेंट में लिख मत देना कि शकील भाई पैसों से टाइम नहीं खरीद सकते, शकील भाई पैसों से ये नहीं खरीद सकते। पता है मेरे को, मैं तभी तो बोलता हूँ, लॉजिकली बात को समझना होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगाना होता है। ये क्यों बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ। चलो अब तो के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ, पहले मैं बहुत आलसी था, बहुत लेजी था मैं, अब मैं बहुत बिजी हूं। अगर आपको मेरी लेजी से बिजी तक की कहानी सुननी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट में भी लिंक है, उस पर क्लिक करके पढ़ सकते हो। मैं पहले क्या था फिर क्या बना, उसमें लिखा हुआ है, वो पढ़ो। फिर उसके बाद में मैंने अपने बुक के बारे में बता रखा है, वो आप पढ़ो एक बारी जा करके, फिर आपको समझ आएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुलमित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।